हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली सक्सेना आज आपके लिए लेके आए हैं ये रेस्टोरेंट स्टाइल एग करी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है और कितनी अच्छी आई है। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं बहुत ही यम्मी रेसिपीज़ लेके आने वाली हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया है और इसमें मैंने थोड़ी हल्दी डाली है। अब मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और मेरे पास अभी 4 अंडे हैं और मैंने उनको उबाल लिया है, तो मैं उबले हुए अंडे इसमें फ्राई करूँगी। इससे क्या होगा, अच्छा सा एक टेक्सचर बन जाएगा, एक अच्छा सा फ्लेवर आपके अंडे के ऊपर आ जाएगा और अंडे थोड़े पक भी जाएंगे। वरना अगर कच्चे अंडे वैसे अंडे डाल देंगे तो वो कच्चापन सा रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं उसी तेल में डाल रही हूँ 2 इलायची। एक मैंने इतना छोटा सा पीस लिया है दालचीनी का, और ये मेरे पास 3 से 4 लौंग हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच लिया है जीरा, और इनको मैं अच्छे से भूनूंगी। वही वाला तेल मैंने यूज़ किया है, अंडे अलग कर लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 बड़ी प्याज थी और मैंने उनको ना ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। ग्रेट करने से ये होता है कि जो मसाला है वो अच्छे से आपके प्याज में भी आ जाएगा और अच्छे से प्याज भुन भी जाएगी। ये बहुत कम टाइम लगेगी भुनने में, ये देखिए, और इवनली कुक हो जाएगी प्याज, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको घिस के रखी है। ये देखिए इसको अच्छे से भून लीजिए। हल्का सा इसका जो पानी है वो उड़ जाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 टमाटर यूज़ करे हैं, मीडियम साइज़ टमाटोज़ हैं ये, और 1/2 कर दिया है मैंने, एक को आधा कर दिया है। और ये देखिए बस इतना सा मुझे पकाना है कि जो मेरा टमाटर है वो थोड़ा सा गल के और थोड़ा रल जाए इसमें मसाले में, मुझे बस उतना ही पकाना है। और ये देखिए आप चाहें तो इसको ढक सकते हैं, थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी नहीं मिलाया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा नमक डाला, और ये मैं आधा चम्मच हल्दी ऐड करी है, और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है ताकि मेरे मसाले प्याज के साथ और टमाटर के साथ अच्छे से पक जाएं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, आप चाहें तो ये लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं, मैंने इसमें डाल दी है, मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है। ये देखिए इसको भी अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये मसाले भी भुन जाएंगे, प्याज भी भुन जाएगी, टमाटर भी भुन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इन मसालों को पीस लूँगी, और सेम उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच और तेल ले रही हूँ। और इधर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया और मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए हल्का सा ना दरदरा सा है, तो ये बहुत अच्छी ग्रेवी के लिए और स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मेथी दाने लिए हैं और थोड़ी सौंफ मैंने डाली है यहाँ पे। तो मेथी दाना आपके पास ऑप्शनल है, लेकिन मेथी दाने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए मैं मेथी दाना यूज़ करती हूँ। और ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ना भुनने दूँगी, हल्का सा ब्राउनिंग सी हो जाए ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। और अब मैं इसमें ये जो मेरा पिसा हुआ प्याज टमाटर का मसाला है जो अभी हमने बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा रंग भी आ गया है इसमें, ये देखिए ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसमें। अब आप चाहें तो यहाँ पे नमक वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपीज़ पोस्ट करूँगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये देखिए और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडे की जगह आप इसमें आलू डाल सकते हैं या पनीर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और ये देखिए मुझे थोड़ा पानी की ज़रूरत थी तो मैंने इसमें पानी जो मेरा मिक्सी का जार था उसी में ही मैंने मिक्स करके सारा पानी इसमें ले लिया है। अब ये देखिए आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी पसंद है इसीलिए मैं इतना ही पानी डालूंगी इसमें। और अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट मुश्किल से पकाना है और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम प्याज टमाटर का जो मसाला है वो हम पका चुके हैं।
ये देखिए 2 मिनट के बाद ये अच्छे से बन गया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, तेल भी साइड में छूट गया है, इट मीन्स इसका मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखिए अच्छी सी थिक ग्रेवी बन गई है। अब ये जो अंडे मैंने फ्राई करे थे अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और ये देखिए ये बहुत ही अच्छी सी लटपटी सी ग्रेवी बनेगी, और आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ना ऊपर से गरम मसाला ऐड किया है, और थोड़ी कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और ये देखिए ये मेरे तैयार हो गया, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बुरका है इसके ऊपर, और ये मेरी एग करी एकदम रेडी हो गई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल करी है। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी थिक है, और ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है एग करी के लिए, ये सबको बहुत पसंद आएगी। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर अंडा नहीं खाते हैं तो आप पनीर के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, सोया चाप के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रेवी है इसकी। ये देखिए, और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।